aqueous solution of urea containing 18 gram urea in 1500 cubic centimeter of solution has a density of 1.052 gram per cubic centimeter. हमें मास ऑफ यूरिया गिवन है डिसॉल्व्ड एक्चुअली तो ये 18 ग्राम है. अब हमें डेंसिटी भी गिवन है 1.052 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ऑल्सो वी आर गिवन विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर. नाउ डेंसिटी अप्रोक्सली 1 है सो द मास ऑफ वाटर और वी कैन से द वेट ऑफ वाटर इज ऑल्सो द सेम. ओके अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़े इफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया 60 है देन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज. तो मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द इक्वेशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी राइट. सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे 18/60. सॉल्यूट हमारा यूरिया है गिवन मास 18 है एंड द मोलर मास 60 है सो इट वुड बी 18/60 एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट 1.5 इन किलोग्राम सो इट वुड बी 0.3 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज 0.2 मोलर विच इज आर ए ऑप्शन. आई थिंक ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. यहाँ पे थोड़ी सी आंसर में वेरिएशन आ रही है. इसका रीज़न ये है हमने अपनी कैलकुलेशन में डेंसिटी को अप्रॉक्सिमेटली 1 मान लिया क्योंकि नॉर्मली वाटर की नियर बाय 1 होती है बट यहाँ पे स्पेशली डेंसिटी की वैल्यू गिवन है. तो अगर हम इस कैलकुलेशन को दैट इज डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इस कैलकुलेशन को डेंसिटी की वैल्यू 1.052 से करें 1.052 इंटू 1500 तो यहाँ से जो मास आएगा उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके मास इन केजी देन यहाँ पे ओके इसकी जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी अराउंड 1.578. ओके तो यहाँ पे अगर हम इसको फिल करेंगे द आंसर वुड बी अराउंड 0.192 विच इज वेरी क्लोज टू 0.2 मोलर. सो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर बी गिवन है. ओके बी इज द राइट आंसर.